वेलकम गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सो दोस्तों, आई होप सभी आप अच्छे होंगे। सुबह मॉर्निंग के 7:30 हो चुके हैं। मैंने आपसे अपनी एक्सरसाइज ख़त्म कर ली है। एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बार बार बोलता हूँ। मॉर्निंग करिए, इवनिंग करिए, मुझे तो 2 टाइम करनी पड़ती है और अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी करवाता हूँ। आप भी करिए मेरे साथ, डेली करिए। जो मॉर्निंग उठ के एक्सरसाइज करते हैं वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं एज़ कम्पेयर टू इवनिंग की एक्सरसाइज करते हैं। डेली एक्सरसाइज कीजिए, चाहे 5 मिनट कीजिए, लेकिन ज़रूर करनी है आपको। आपकी हार्ट रेट बढ़नी चाहिए, हल्का सा पसीना आना चाहिए, आपकी एक्सरसाइज उसी को मानी जाती है। तो मेरे साथ किए लाइट एक्सरसाइजेज होती हैं। तो 7:30 हो चुके हैं, मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। मम्मी उठने वाले हैं और काइना भी स्कूल जाएगी, मैं उसको स्कूल छोड़ूंगा और उसके बाद इवनिंग में आके प्लानिंग करेंगे क्या एक्सरसाइजेज शाम को करनी है। और मेरे जो फॉलोअर्स हैं, जो नॉन फॉलोअर्स भी हैं, उनको क्या एक्सरसाइजेस चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेजिए, उसमें सिंपल से सिंपल एक्सरसाइजेस बताएंगे। तो लेट्स गो, जल्दी से रेडी होते हैं, मैंने भी ड्यूटी जाना है और उसके बाद आके प्लानिंग करते हैं। बाय। सो फाइनली गाइस, मैं प्रतिभा और काइना हम आए थे शॉपिंग करने, जो कि प्रतिभा का बर्थडे है कल 31st of July। तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, कुछ गिफ्ट्स ले रहे हैं प्रतिभा के लिए। तो लेट्स गो और चलते हैं नेक्स्ट शॉपिंग के लिए। सो काइना, हम आए हैं शॉपिंग के लिए। तो काइना नाराज है, मुझे क्यों नहीं लेके? क्या लेना, क्या आपने बताओ? क्या चाहिए, क्या चाहिए बताओ? टी शर्ट। अच्छा चलो ठीक है। तो काइना भी बोल रही है मुझे टी शर्ट लेके दो, तो चलते हैं ऊपर, काइना को भी टी शर्ट लेके देते हैं। हाँ, कौन सा चाहिए बताओ? ये और भी देखो, कलर बहुत सारे हैं यहाँ पे। हाँ, कौन सा पसंद है आपको? देखो देखो देखो, ये लेना, देख खोल के देखो, अभी देखो देखो देखो। छोटी बड़ी छोटी है, साइज छोटा है इसका। सो फाइनली गाइस, मैंने काइना ने और प्रतिभा ने शॉपिंग कर ली और काइना थक चुकी है, ये देखो। और प्रतिभा को भाई बड़ी मुश्किल कुछ पसंद आया और मैं तो थक चुका हूँ, मैं बैठ गया हूँ और थोड़ी देर बाद चलते हैं और शाम की एक्सरसाइज भी प्लान करनी है। तो लेट्स गो। कैसा लग रहा है मम्मी एक्सरसाइज करके? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो सभी को क्या मैसेज दोगे? मैं सबको यही बोलूंगी कि आप भी थोड़ा वेट ट्राई करो, वेट लिफ्टर बनो, वेट करने से ज्यादा एनर्जी आती है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, आज है 31st of July और आज है प्रतिभा का बर्थडे और मैं आया हूँ ड्यूटी पे। प्रतिभा भी गई हुई है, सारी तैयारी हो रखी है और आज हम ड्यूटी पे आए थे और टीडी वैक्सीनेशन, जो टेटनस और डिप्थीरिया की वैक्सीनेशन है, वो 10 साल से ऊपर बच्चों को और 16 साल से ऊपर बच्चों को लग रही है और बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन है। अगर आपके घर में भी कोई ऐसा बच्चा है, उसको भी टेटनस और डिप्थीरिया की वैक्सीनेशन लगवाइए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 10 साल से ऊपर और 16 साल से ऊपर कोई घर में बच्चा है तो उसको टेटनस और डिप्थीरिया का इंजेक्शन ज़रूर लगवाइए। तो आज है बर्थडे और करेंगे वहाँ पे तैयारी, कुछ तैयारी मैंने कर रही है। प्रतिभा को आज सरप्राइज़ देंगे, मैंने उसके लिए कुछ ख़रीदा है, वो आपको बताएंगे क्या ख़रीदा है। तो प्रतिभा ड्यूटी से आने वाली है, मम्मी तैयारी कर रहे हैं और मैं भी थोड़ी देर में काम करके चला जाऊँगा घर और उसके बाद घर करेंगे सेलिब्रेट। लेट्स गो, जल्दी से काम करके निकलते हैं और करते हैं सेलिब्रेट। फाइनली दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्मी है आज और काम करके मैं जा रहा हूँ घर और घर जाके कुछ प्लानिंग है, वो आपको बताऊँगा आज शाम को कहाँ जाएंगे। आज प्रतिभा का बर्थडे है, कुछ हमने सरप्राइज रखा है, मैं आपको बताऊंगा क्या सरप्राइज है और आप बने रहिए मेरे साथ और आज क्या क्या करते हैं वो आपको दिखाऊंगा। सो फिलहाल बहुत गर्मी है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और उसकी वजह से, क्योंकि मानसून है, मानसून में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो काइना भी आ गई होगी और मैं भी जा रहा हूँ ड्यूटी से, हमारा काम तो ख़त्म हो गया। चलो लेट्स गो और करते हैं एंजॉय।
तो फाइनली मैंने प्रतिभा के लिए केक ले लिया है और तैयारी हो गई है, शाम को ले जाएंगे केक। ये बोल रहे हैं 7 बजे मिलेगा, यहाँ पे न्यू शॉप खुली है तो एक बार ट्राई करते हैं। एगलेस केक है तो लेट्स गो और चलते हैं लेके घर, मेरी वेट कर रहे हैं। सो दोस्तों मैं घर पे पहुँच चुका हूँ और मैंने प्रतिभा को फिलहाल ये बुक का गिफ्ट किया है। सो मैंने हैप्पी डांस ऑफ द डे। सो आज है प्रतिभा का बर्थडे तो आज शाम को कुछ और भी सरप्राइज़ है, पार्टी करेंगे। सो लेट्स गो, देखते हैं। अभी सभी खाना खा रहे हैं, प्रतिभा के मम्मी और पापा आए हुए हैं, सभी खाना खा रहे हैं और उसके बाद शाम को कुछ और सरप्राइज़ है, बताएंगे क्या सरप्राइज़ है और शाम को पार्टी करेंगे। तो लेट्स गो, खाना खाते हैं, आप भी खा लीजिए। सो फाइनली गाइस 5:30 हो चुके हैं, सारी तैयारियां हो चुकी हैं और कायना भी मेरे साथ बाज़ार गई थी कुछ सामान लेने और प्रतिभा भी रेडी हो चुकी है। अब फाइनली एक यहां पे घर पे केक काटेंगे, प्रतिभा के मम्मी पापा आए हुए हैं, और एक बाहर जाके काटेंगे जो के बाहर डिनर करेंगे कहीं पे आज सेलिब्रेशन के टाइम आज। तो और उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ सरप्राइज़ करेंगे, आपको बताएंगे, प्रतिभा को गिफ्ट देंगे। लेट्स गो, गाइस हम पार्टी एंजॉय करने आ गए हैं डिनर पे। तो केक सेलिब्रेशन हो रखा हो गया है और फाइनली अब प्रतिभा को गिफ्ट देंगे जो सरप्राइज गिफ्ट था। तो प्रतिभा का रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन क्या होगा। तो लेट्स गो और प्रतिभा को करते हैं गिफ्ट जो आपको भी नहीं पता क्या सरप्राइज है। तो लेट्स गो, सरप्राइज ये था सरप्राइज टाइम प्रतिभा का। तो मैंने ये प्रतिभा को उसके बर्थडे पे एक रिंग दी है। प्रतिभा को पूछते हैं कैसा लगता है। कैसा बहुत बढ़िया कह रही, बहुत बढ़िया। तो ये था सरप्राइज जो तनिष्क से मैंने ली थी प्रतिभा के लिए, डायमंड रिंग। तो देखते हैं, पसंद आ गई ये बोल रही, तो मैं खुद से ले आया अपनी मर्जी से। तो ये कह रही है मेरे को पसंद है, चलो गुड।